Hello students, good morning. I welcome you all to the science session, and our last topic for chapter 1 is growing crops for food and other uses. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रॉप्स के बारे में और उसके यूजेस के बारे में, ठीक है? What are the different kinds of crops and what are their uses? So let's begin. See, before proceeding and before we should know what are the kinds of crops, we should know what is a crop. ठीक है, क्रॉप क्या होती है? अब देखिए, हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, क्रॉप ग्रो करने के लिए, कोई प्लांट ग्रो करने के लिए. सो उस एक पर्टिकुलर एरिया में जो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो करते जाते हैं बाय फार्मर्स, दैट आर नोन एज क्रॉप्स. ठीक है, सो क्रॉप्स आर प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड दैट आर ग्रोन इन अ पर्टिकुलर एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट सेम काइंड के होते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आप राइस ग्रो कर रहे हो तो उस पूरे एरिया में आपका राइस ग्रो हो रहा है, सो दैट इज़ द क्रॉप ऑफ अ राइस. ठीक है, वो राइस क्रॉप है, सो दैट इज़ अ क्रॉप. एक पर्टिकुलर एरिया में जो एक सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो करा जाता है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द थ्री काइंड ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स के तीन काइंड क्या हैं, कितने टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं? फूड क्रॉप, ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड फाइबर क्रॉप्स. सो दीज आर द थ्री काइंड ऑफ क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड फाइबर क्रॉप्स. ठीक है, now we will be studying about the next topic, that is kharif crops. kharif crops or rabi crops, these are the two types of crops. theek hai, hum inke bare mein padhte hain. kharif crops kya hoti hain, dekhiye, they are also called summer crops. ab kharif crops ko summer crops bhi kehte hain, keh sakte hain, kyun? kyunki they are grown in monsoon season. theek hai, that is from june to september. ye us time pe grow hota hai jab monsoon season hota hai, and these are known as summer crops. theek hai, अब जैसे कि ये मॉनसून सीजन में ग्रो करा जाता है तो इनको पानी की बहुत ज़रूरत होती है. सो दीज क्रॉप्स रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर, राइट? सो यू कैन सी द एग्जांपल, मेज, राइस, मैंगो, कॉटन. सो दीज आर द क्रॉप्स विच आर ग्रोन बेस्ट इन समर्स. ठीक है, कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं जो बेस्ट इस सीजन में ग्रो करते हैं, जैसे कि मैंगो है. दीज आर द फ्रूट्स, मैंगो, मेलन, लीची. सो दीज आर ग्रोन बेस्ट इन द सीजन, राइट? एंड वेजिटेबल्स यू कैन से ब्रिंजल है, लेडी फिंगर है. सो दीज वेजिटेबल्स ग्रो बेस्ट इन समर सीजन. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, यू कैन से मेज, राइस, मैंगो, कॉटन. ये सब आपका kharif crops है, बिकॉज दे आर ग्रोन इन द मानसून सीजन. ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड समर क्रॉप्स. सो रिमेंबर, kharif crops आर कॉल्ड समर क्रॉप्स. नेक्स्ट इज अबाउट रैबी क्रॉप्स. अब आप देखिए रैबी क्रॉप्स, पहले यहाँ हम देखेंगे रैबी का मतलब क्या होता है. ठीक है, रैबी इज एन अरेबिक वर्ड. ठीक है, रैबी एक अरेबिक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्प्रिंग. रैबी इज एन अरेबिक वर्ड, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड विच मीन्स स्प्रिंग, राइट? दीज क्रॉप्स आर ग्रोन बेस्ट इन विंटर्स, सो दैट इज वाई दे आर नोन एज विंटर क्रॉप्स. ठीक है, दे आर कॉल्ड विंटर क्रॉप्स. दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर्स एंड दे आर हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग सीजन. देखिए, इनको हम ग्रो कब करते हैं, इनको ग्रो कब किया जाता है, विंटर सीजन में. ठीक है, और इसकी हार्वेस्टिंग कब होती है, स्प्रिंग सीजन में. ठीक है, सो एग्जांपल्स यू कैन से ग्राम है, वीट है, कैरेट है, मस्टर्ड है, ये सब आपके विंटर्स में ग्रो करे जाते हैं. ठीक है, वेजिटेबल्स आप देख सकते हो लाइक कैरेट, ये सब विंटर क्रॉप्स, विंटर वेजिटेबल है, पीस, बीन्स. ठीक है, ये आपके विंटर वेजिटेबल्स हैं जो कि रैबी क्रॉप्स हैं. ठीक है, so these are the examples of rabi crops or you can say winter crops. next is, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि crops कौन कौन सी होती है और किस type की होती है, लेकिन अब देखिए, अगर हमें crop को properly grow करना है, एक farmer है, उसको crop अपनी, उस crop की healthy yield चाहिए, उसको properly उसको grow करना है, तो कुछ points हैं जो उसे ध्यान में रखने होंगे. you should remember some points while if you wants to get a good yield and healthy yield of that crop. ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्या points हैं वो. see the first one, knowledge about suitable soil climate is necessary for growing a crop. ठीक है, soil की या climate की knowledge एक farmer को पता होना चाहिए कि जहाँ वो उस crop को grow करना चाहता है, क्या वहाँ पर वो crop properly grow हो सकती है, वहाँ से उसको healthy yield मिल सकती है उस crop की. ठीक है, सेकेंड इज क्रॉप्स शुड बी इरीगेटेड वेल, दैट इज मतलब क्रॉप्स को प्रॉपरली और टाइमली राइट अमाउंट ऑफ वाटर मिलना चाहिए और राइट टाइम पर मिलना चाहिए. ठीक है, सो इट शुड बी इरीगेटेड वेल. थर्ड इज क्रॉप्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट
एंड इंसेक्ट्स बाय स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। अब देखिए क्रॉप्स को कुछ इंसेक्ट से, पेस्ट से हमें कैसे क्या करना चाहिए, उन क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो प्रोटेक्ट कब हो सकते हैं, जब हम या फार्मर उसको इस पर स्प्रे करे, लाइक पेस्टिसाइड स्प्रे करे या इंसेक्टिसाइड स्प्रे करे। वो एक पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड क्या है, ये हार्मफुल केमिकल्स हैं, ठीक है, ये केमिकल्स हैं, लेकिन आपको फिर एक फार्मर को फिर भी इसको केयरफुली यूज़ करना चाहिए, ठीक है, सो दैट हिज क्रॉप्स बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट एंड इंसेक्ट्स, राइट। नेक्स्ट इज द फोर्थ पॉइंट, क्रॉप्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउज एंड गोट्स। अब देखिए जो फील्ड है, ठीक है, जहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करी जा रही है, वहाँ पर क्या है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है वो एंटर कर सकते हैं, जैसे कि काउ है, गोट है, वो एंटर कर सकती है, ठीक है। तो उसके लिए, इस प्रोटेक्शन के लिए व्हाट अ फार्मर नीड्स टू डू, उसे एक प्रॉपर फेंसिंग कर देनी चाहिए। देखो जैसे आपकी ये फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर आपने क्रॉप्स ग्रो करी, तो जो फार्मर है इसको यहाँ पर अपनी फेंसिंग कर देनी चाहिए, मतलब कि एक बाउंड्री बना देनी चाहिए ऐसे, ठीक है, ताकि वो जो एनिमल्स हैं अपने उसकी फील्ड में एंटर ना कर सके, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स शुड बी एडेड टू मेक द सॉइल फर्टाइल, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउ डंग एक्सेट्रा। अब देखो फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, ये सब उसके फार्मर को अपनी क्रॉप में, क्रॉप को देने चाहिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सॉइल को फर्टाइल बनाएंगे। और वो कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं, मैन्योर्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो कहाँ से ऑब्टेंड होंगे, फ्रॉम काउडंग, काउडंग से ऑब्टेंड होते हैं, और यू कैन से डिकेइंग प्लांट्स, जो प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं ना, डिकेइंग प्लांट्स, उससे ये आपका मैन्योर है, फर्टिलाइजर है, ये ऑब्टेन हो सकता है। सो दीज आर द पॉइंट्स विच अ फार्मर शुड कीप इन हिज माइंड वाइल ग्रोइंग अ क्रॉप, ठीक है, उसको इस क्रॉप को, ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए कुछ पॉइंट्स है जो उसको माइंड में रखने चाहिए। अब इससे क्या होगा, उस फार्मर की क्रॉप होगी जो वो हेल्दी होगी, उसको गुड ईल्ड मिलेगी क्रॉप की। सो दीज आर द फाइव पॉइंट्स विच अ फार्मर शुड कीप इन हिज माइंड वाइल हैविंग अ गुड और हेल्दी ईड ऑफ द क्रॉप्स ही और शी ग्रोस, राइट। सो दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ आर चैप्टर एंड आई हैव एन होमवर्क फॉर यू, देर आर थ्री क्वेश्चंस, ठीक है, यू हैव टू डू दीज थ्री क्वेश्चंस इन योर साइंस नोटबुक वेरी नीटली, ठीक है, एंड इट शुड बी सबमिटेड टू मी, राइट। So please watch the video carefully and do your homework as given. That is it. Thank you.